अभी जवानी है, जवानी में लड़की नहीं पटाएंगे, जवानी में मजे नहीं लेंगे तो कब लेंगे। आधा करियर स्टूडेंट्स का बर्बाद हो जाता है लड़की पटाना फिर ब्रेकअप होना, लड़की पटाना फिर ब्रेकअप होना, इन्हीं सब चीज़ों में कुछ समय के मज़े के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अरे यार, ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आकर्षण है जो कि इस उम्र में एकदम स्वाभाविक है। लड़की से बात करने पर, उसके साथ समय बिताने पर जो आनंद आपको मिलता है, उस आनंद को महसूस करने की आदत हो गई है आपको, तो जब वो आपको छोड़कर चली जाएगी या फिर उसकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, तब आप अंदर से छटपटा जाओगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जो आनंद आपको मिल रहा था अब तक, जिसके थ्रू मिल रहा था, अब वो किसी और की हो चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा चुकी है। तो अब अगर उस लड़की की शक्ल से मिलती जुलती कोई लड़की आपको नज़र आती है, जिसके बोलने का तरीका, जिसकी कुछ अदाएँ, कुछ नखरे उससे मिलता जुलता हो, अगर इतना सा भी कुछ मिलता जुलता हो ना, तो आपको लगने लगता है कि भगवान ने आपकी सुन ली, भगवान ने इस लड़की के रूप में आपको आपका प्यार वापस दे दिया, आपका प्यार आपको वापस मिल गया, अब आप इसके पीछे पगला जाते हो। अगर आप उसे पटा भी लेते हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद वो भी आपको छोड़कर चले जाए, या फिर उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए, जात पात की वजह से, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न है जो अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है, तो अब आप फिर दूसरी लड़की पटाओगे, क्योंकि उस आनंद को महसूस करने की आदत हो चुकी है आपको, बुरी तरह से फंस चुके हो उसमें। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक लड़कियां आएं और एक एक करके किसी और के साथ शादी करके सेटल होती चली जाए लाइफ में, लेकिन आप सेटल नहीं हो पा रहे हो, आप वहीं पे वहीं एक ही जगह पे गड़े हुए हो, अपने आप को काबिल नहीं बना पा रहे हो, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो खुद को, अपनी खुद की पहचान नहीं बना पा रहे हो इन सब चक्करों में, तो ये सब कब तक चलता रहेगा यार, पूछो अपने आप से। आपकी भी कभी शादी होगी, वाइफ आएगी घर में, उसे वो सुख सुविधाएं कहाँ से दोगे, क्या बोलोगे उससे कि जब मेरा कुछ करने का टाइम था, कुछ बनने का टाइम था, तब मैंने वो टाइम निकाल दिया लड़की पटाने में और लड़कियों से प्यार करने में, ये बोलोगे। अभी आप जिस लड़की के पीछे मताए हुए हो, पगलाए हुए हो सकता है कि वो आपको चरा रही हो, अपने बॉयफ्रेंड से जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तब आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए फ़ोन करती है, और आप अपना पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब छोड़कर उसे घंटों फोन में बात करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके पास आ जाएगी, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। आप उसके लिए सिर्फ एक टेम्प्ररी चॉइस हो, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही है। अब बहुत सारे लड़कों का ये कहना है कि अभी जवानी है, जवानी में लड़की नहीं पटाएंगे, जवानी में मजे नहीं लेंगे तो कब लेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन बैल बकाट आदमी आपको ये कह दिया कि जवानी सिर्फ लड़की पटाने और मजे लेने के लिए है। जिसने भी कहा, सबसे पहले उसकी अचीवमेंट देखो, वो कोई बहुत बड़ा अचीवर नहीं होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। जवानी में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है लक्ष्य क्यों हासिल करना, खुद को इस लायक बनाना कि कभी भी किसी चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, आत्मनिर्भर बनना पूरे तरीके से। तो जब इस लायक बन जाओ, उसके बाद जिम्मेदारियाँ निभाना, एक बेटे का, एक भाई का, घर की आर्थिक स्थिति सुधारो, घर बनाना है तो घर बनाओ, बहन की शादी करवाना है बहन की शादी करवाओ, ये सब चीज़ें, उसके बाद में लड़की वड़की प्यार मोहब्बत। उस समय आप ये सब प्यार मोहब्बत करोगे भी तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, अगर कोई उस समय आपको कुछ बोलता भी है तो आप उन्हें बोल सकते हो कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक बेटे का, एक भाई का कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो मैंने नहीं निभाई है, तो अब अगर मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ अपने तरीके से तो इसमें गलत क्या है। अगर मैं उस लड़की के पीछे पैसे उड़ा भी रहा हूँ तो अपनी खुद का कमाई उड़ा रहा हूँ ना, खुद की कमाई उड़ा रहा हूँ, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस समय आप उन्हें बोल सकते हो ये बात, लेकिन अभी आप क्या बोलोगे, अभी आप खुद अपने बाप पर निर्भर हो पूरी तरीके से। लाइफ में लड़की होती है तीसरे चौथे नंबर पर, लेकिन आपने क्या गलती की, आपने उसे टॉप पर बैठा दिया, नंबर वन पर, कि सबसे पहले तो लड़की ही पटाना है, भले ही ज़िंदगी में कुछ बने या ना बने। इसीलिए आप लोगों की ज़िंदगी ना गड़बड़ा गई है, भटक के रह गए आप लोग। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, जिस भी फील्ड में वो सक्सेसफुल है, उन सब की ज़िंदगी में एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका लक्ष्य है, सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, बाद में बाकी की चीज़ें, इस तरह से उनकी ज़िंदगी चलती है। अगर वो भी आपकी तरह लड़की को टॉप में रख देते ना, तो वो भी आपकी तरह बनकर रह जाते हैं। तो समझो इस बात को, जिस भी लड़की के पीछे आप मताए हुए हो ना, अगर दो तीन बार उसने फ़ोन नहीं उठाया आपका, या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो और आपका दिमाग भटक जाएगा, दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगेंगे कि यार फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, कहीं किसी और से तो नहीं पट गई, अब तक मुझे चरा रही थी क्या। तो अगर आपने कोई गोल सेट किया भी होगा तो आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे,
इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाओगे, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकाग्रता चाहिए, बहुत फोकस चाहिए। जितना बड़ा आपका लक्ष्य है उस लेवल का फोकस चाहिए, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हो रहा है, तो कहाँ से लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। अपने परिवार, खानदान, टोले मोहल्ले में किसी भी आदमी को देख लो, किसी भी लड़के को देख लो जो लड़की वड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो घंटों तक फोन में बतियाते रहता है लड़की से, उसकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा इंसान दिखा दो जिसकी जिंदगी में लड़की वड़की प्यार मोहब्बत हो और एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी हो और दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा हो जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़की और एक बड़ा लक्ष्य दोनों को साथ लेकर जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ 10% लोग ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं और लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, सिर्फ 10% लोग ही। बाकी के जो 90% लोग होते हैं वो लड़की के चक्कर में ही मताए रहते हैं, पगलाए रहते हैं। फिर बाद में जब उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है तब अब ये फिर दूसरी लड़की पटाते हैं, इसी तरह से करते रहते हैं। जब टाइम हाथ से निकल जाता है तब बोलते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया वरना मैं भी कुछ बन जाता जिंदगी में। किस्मत को दोष देते हैं ये लोग, गधे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये गलती भूल के भी मत करो। कोई भी लड़की हो, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, किसी ऐसे लड़के के साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहती है जो भले ही हैंडसम हो रूप से लेकिन उसके पास पैसा ना हो। और उसमें कुछ भी गलत बात नहीं यार, अगर हम खुद को उस लड़की के जगह पर रख के देखें तो कुछ भी गलत नहीं है। आप इन चिंदी चीजों के पीछे इसलिए पगलाए हुए हो क्योंकि आपकी जिंदगी में करने के लिए कुछ बड़ा नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, ना ही जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है, कुछ नहीं है। हमारा दिमाग काम कैसे करता है पहले इसे समझो। जब हमें बेहतर से बेहतर चीज मिल जाती है तो कम बेहतर वाली चीज को छोड़ने के लिए हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप ही छूट जाती है। जैसे आप मार भात खाने के लिए बैठे हो तो तुरंत आपके आगे मुर्गा भात परोस दिया गया, तो आप मार भात खाओगे अब कि मुर्गा भात खाओगे? जाहिर सी बात है अब आप मुर्गा भात ही खाओगे, मार भात की तरफ आपकी नजर भी नहीं जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिसकी जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य होता है, जिंदगी का एक बड़ा मकसद होता है, जब वो अपने मकसद को पूरा होते हुए विजुअलाइज करता है तो उसे इतना मजा आता है, इतनी उसकी एनर्जी बढ़ जाती है कि उस मजे के सामने ये सब जो लड़की वड़की गर्लफ्रेंड का जो मजा है ये बहुत ही चिंदी होता है। इसलिए इन चिंदी चीजों की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं, उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित होता है, क्योंकि यहां से जो मजा उसे मिल रहा होता है उसके सामने हर मजा फीका है, ये मजा उसे डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में एक बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाओ, जिंदगी का एक बड़ा मकसद बनाओ और डूब जाओ उसमें। फिर देखना आप भी इन चिंदी चीजों के पीछे नहीं पगलाओगे। अब आप ये मत बोलना कि अब मैं लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप उसी के बारे में सोच रहे हो। हमारा दिमाग रिप्लेसमेंट के आधार पर काम करता है, जब इसे नए थॉट्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है तब ये उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक बड़े से बड़ा गोल सेट करो ना और उस पर काम करना शुरू करो, तो आपका दिमाग अपने आप ही उस दिशा में केंद्रित हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। तो ये सब जो लड़की वड़की गर्लफ्रेंड का जो मजा है, इस बहुत ही चिंदी लगेगा ये सब, क्योंकि अब जो आपको मजा मिल रहा है उस मजे के सामने ये सब मजा बहुत फीका है, बहुत ही छोटा है, चिंदी है ये सब। तो अब आप इन चिंदी चीज़ों के पीछे नहीं पगलाओगे, समझे? तो ये बात है, फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।